बेसिकली बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कंप्यूटर साइंस लेने का बहुत मन करता है। यानी अभी जो ट्रेंडिंग में चलता है वो आपको भी पता हो, नॉन कोर ब्रांच ही जाता है यानी सीएस ब्रांच जाता है। तो सीएस ब्रांच का अगर हम लोग बात करें कट ऑफ के बारे में, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज सचिन एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग बात करेंगे हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज के बारे में जो वेस्ट बंगाल में है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल डिटेल बताऊंगा हल्दिया इंस्टीट्यूट के बारे में कि वो कॉलेज कैसा है, उसका प्लेसमेंट कैसा है, वहां पे आप कौन सा कोर्स कर सकते हो, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग उसमें एडमिशन कैसे ले सकते हो और आप लोग को एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यानी पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगा। तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं हल्दिया इंस्टीट्यूट के बारे में। तो हल्दिया इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल का सबसे पहला कॉलेज है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जिसको आप लोग HIT के नाम से भी जानते होंगे। तो ये हल्दिया इंस्टीट्यूट जो है वो हल्दिया में है, जो आप लोग को वेस्ट बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है हल्दिया, जिसमें आप लोग का हल्दिया इंस्टीट्यूट है और इसको आप लोग HIT के नाम से भी जानते हो, और ये आप लोग का सबसे पुराना कॉलेज है और ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो मकाउट के अंदर में आता है। और ये आप लोग का यहाँ पर आई केयर इंस्टीट्यूट भी है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका NAAC ग्रेड क्या है। तो इसका NAAC ग्रेड जो है वो ए ग्रेड है और ये AICT से अप्रूव है। AICT से अप्रूव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे जो कॉलेज जो होते हैं वो AICT से अप्रूव नहीं होता है, तो AICT से अप्रूव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कॉलेज आप लोग का AICT से अप्रूव है। और इसका NIF रैंक अगर हम लोग बात करें तो इसका NIF रैंक जो है वो 201 के करीब में आता है। तो इसका आप लोग का NIF रैंक है 201 और जो ए ग्रेड का कॉलेज है, और ये आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आप लोग का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि हल्दिया इंस्टीट्यूट आप लोग का है कहाँ, इसका एड्रेस क्या है और आप लोग यहाँ पर कैसे रीच कर सकते हो, कैसे पहुंच सकते हो। तो हल्दिया इंस्टीट्यूट आप लोग का वेस्ट बंगाल में है और ये पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो आप लोग का वेस्ट बंगाल में आता है, और वहां पर एक हल्दिया नाम का एक जगह है जहां पर आप लोग का ये इंस्टीट्यूट है। आप वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से आप लोग यहां से ट्रेन ले सकते हो, हावड़ा जंक्शन से जो डायरेक्ट हल्दिया की ट्रेन मिलता है, जो आप लोग को दिन में 3 ट्रेन मिलेगा, सुबह शाम रात 3 ट्रेन रहता है, जो आप लोग पकड़ के डायरेक्ट हल्दिया पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट आप लोग बस भी यूज कर सकते हो, तो ये कुछ ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर जर्नी है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग हल्दिया इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा कोर्स कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग बीटेक कर सकते हो। नॉर्मली बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो बीटेक के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो बीटेक कर सकते हो आप, MBA कर सकते हो, MCA कर सकते हो और MTech कर सकते हो। तो ये सारे कोर्स जो है आप लोग यहाँ पर हल्दिया इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि आप लोग का ये सब कोर्स का फीस कितना होगा। तो सबसे पहला बीटेक का बात करें तो बीटेक का फर्स्ट ईयर का आपका जो फीस होगा वो 1.18 लाख होगा। आप इसको 1.18 लाख आप लोग इसको 4 से इंटू कर लीजिए। उसके बाद हम लोग MBA का बात करें तो MBA का होगा आपका 1.24 लाख, और बीटेक लेटरल का बात करें तो 1.21 लाख, MCA का बात करें तो 1.2 लाख, ये मैं पर एनम का बोल रहा हूँ, और MTech का बात करें तो 1.8 लाख। यानी यहाँ पर कुछ आप लोग को ज्यादा फीस जो है वो आप लोग को पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पर बीटेक आप लोग को 4 लाख तक आप लोग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर 10 लाख 12 लाख आप लोग को फीस लग रहा है, आप लोग को 5 लाख के अंदर में यहाँ पर आप लोग का बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा टॉपिक हम लोग बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स आप लोग प्लेसमेंट देके ही जाते हो, और आप लोग को जाना भी चाहिए कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, तभी आप लोग को वहां पर प्लेसमेंट मिलेगा। तो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट नो डाउट बहुत अच्छा है। इस कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया था वो 40 LPA का गया था, 40 LPA आप लोग का इस कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था। और इस कॉलेज का प्लेसमेंट जो है आप लोग का 89% लास्ट ईयर जो इस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो था वो 89% था। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो, अगर आप लोग को ऑफिशियली चेक करना है तो हल्दिया इंस्टीट्यूट का जो आप लोग का ऑफिशियल जिसका वेबसाइट है वहां पर आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो। तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट भी इसका अच्छा है। ऐसा जो एवरेज प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट देखो, हाईएस्ट मत देखो, हाईएस्ट तो आप कितना भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट क्या। तो इस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है 5 लाख तक, आप लोगों को यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट मिल रहा है 5 लाख तक। तो अगर आप लोगों का जो फीस है वो अगर आप लोगों को 4 लाख तक अगर आप लोगों को बीटेक कंप्लीट करवा रहा है, 4 लाख तक आप लोगों को अगर बीटेक कंप्लीट करवा रहा है, तो नो डाउट इसका एवरेज जो प्लेसमेंट है वो सही है यहाँ पर आप लोगों को,
क्योंकि आप बहुत सारे बैंगलोर में ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जहां पर आप लोगों को जो बीटेक कंप्लीट करने के लिए 12 से 13 लाख रुपए आप लोगों को देना पड़ेगा 4 साल में, वही आप लोगों को हल्दिया इंस्टीट्यूट में सिर्फ 4 लाख प्लस 4 लाख के यानी सब अप्रोक्स आप लोग ले लीजिए कि 4.5 लाख रुपए आप लोगों का खर्चा होगा बीटेक करने में, और उसमें अगर आप लोगों को एवरेज प्लेसमेंट अगर 5 लाख का दे रहा है तो नो डाउट आप लोगों को यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो अच्छा, और आप लोग का लास्ट का जो प्लेसमेंट था वो करीब 89% के करीब था, 90% आप लोग ले सकते हो, तो इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी अच्छा है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इस कॉलेज का कैंपस लाइफ आप लोग को बहुत अच्छा मिलेगा, किसी भी कॉलेज में आप लोग को इतना बड़ा कैंपस नहीं मिलेगा। ये वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा कैंपस कॉलेज है, यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ये सबसे बड़ा कैंपस है सिर्फ हल्दिया इंस्टीट्यूट के बारे में सबसे बड़ा क्या, और किसी भी कॉलेज का वेस्ट बंगाल में और किसी भी कॉलेज का प्राइवेट इंस्टीट्यूट का कैंपस नहीं है। यहाँ पर आप लोग को कैंपस लाइफ मिल जाएगा, आप लोग को हॉस्टल का फैसिलिटीज मिल जाएगा, एक दो हॉस्टल नहीं 13 हॉस्टल है बॉयज का, फिर आप लोग गर्ल्स का हॉस्टल अलग मिल जाएगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सेपरेट लाइब्रेरी मिल जाएगा, आर्यभट्ट लाइब्रेरी से फेमस है वो, आप लोगों को पूरा सेपरेट मिल जाएगा वो, आप लोगों को लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई, तो ये सब जो फैसिलिटी है कैंपस लाइफ जो आप लोग आईआईटी और एनआईटी कॉलेज में देखते हो, बड़े बड़े कॉलेज में देखते हो, ये सब आप लोगों को यहाँ पर हल्दिया इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा। और कॉलेज नो डाउट बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर देखा जाए तो कॉलेज बहुत अच्छा है, मैंने खुद विजिट किया है तो कॉलेज बहुत अच्छा है। आपके फ्रेंड्स या आपके सीनियर्स अगर आपके कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो आप उनसे एक हॉनेस्ट रिव्यू ले सकते हैं। तो कैंपस लाइफ का आप लोगों का फुल गारंटी है कि आप लोगों को पूरा आईआईटी वाला फील आपको हल्दिया इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग को इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने का आप लोगों के पास 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ये है कि आप लोग वेगजी के थ्रू जाओ, यानी WBJEE का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। दूसरा जो आप लोग का है वो आप लोग का जेई मेन्स है, जेई मेन्स के थ्रू भी आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग का जो तीसरा ऑप्शन जो आता है वो आप लोग का मैनेजमेंट के थ्रू होता है। आपको पता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए मैनेजमेंट कोटा भी होता है, जो 10% मैनेजमेंट कोटा होता है, तो उसके थ्रू भी आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप लोग WBJ के थ्रू जाओगे तब आप लोग को वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस का एग्जाम देना होगा और उस हिसाब से आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा HIT कॉलेज में आने के लिए। और अगर हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करें तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कंप्यूटर साइंस लेने का बहुत मन करता है, यानी अभी जो ट्रेंडिंग में चलता है वो आपको भी पता हो, नॉन कोर ब्रांच ही जाता है यानी CS ब्रांच जाता है। तो CS ब्रांच का अगर हम लोग बात करें कट ऑफ के बारे में, तब आप लोग का जो रैंक होना चाहिए वो 5000 के नीचे होना चाहिए तभी आप लोग को हल्दिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात कर ले IT का, तो IT का आप लोग का 12000, फिर हम लोग बात करें EC ब्रांच का, तो EC ब्रांच का आप लोग का होगा कट ऑफ जो लास्ट तक जाता है ये तो आप लोग का जो लास्ट तक जाएगा वो करीब 16000 के करीब जाएगा। तो ये सब अगर आप लोग कट ऑफ क्लियर करते हो, इतना अगर आप लोग का WBJEE में स्कोर हो जाता है तो आप लोग इजिली जो है हल्दिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। और इन केस अगर आप लोग का इतना स्कोर नहीं हो पाता, आप लोग कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हो, तब आप लोग के पास दूसरा ऑप्शन जो आता है आप लोग का वो होता है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा से अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तब आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, तो उसमें आप लोग क्लिक करो और क्लिक करके आप वहां से आपका जो भी क्वेरीज है, सिर्फ एडमिशन रिगार्डिंग नहीं, अगर आप लोग को हल्दिया इंस्टीट्यूट के बारे में और कुछ भी जानना है कि इसमें ये कोर्स होता है या नहीं, ये कोर्स होगा या नहीं होगा, कोई भी कोर्स या किसी भी कॉलेज, नॉट ओनली हल्दिया इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज वेस्ट बंगाल में अगर आप लोग को एडमिशन लेना है तो उस लिंक के थ्रू आप लोग व्हाट्सएप में जाइए और व्हाट्सएप में आपका जो भी क्वेरीज है आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपका मन है एडमिशन करने के लिए तो आपको 100% एडमिशन होगा, पूरा फुल गारंटी के साथ आपका एडमिशन हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज का बेस्ट ब्रांच कौन सा है। तो इस कॉलेज का बेस्ट ब्रांच आप लोगों का केमिकल होता है, केमिकल का प्लेसमेंट इसका बहुत अच्छा है। केमिकल का आप लोग का माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि केमिकल का प्लेसमेंट इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि ये जो हल्दिया इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर है वहां पर आप लोग को बहुत सारे जो फैक्ट्रीज वगैरह मिल जाएगा, बेसिकली सारे केमिकल्स के फैक्ट्री है, तो वहां पर हल्दिया पेट्रोकेमिकल ऐसे से बहुत बड़े बड़े जो वहां पर फैक्ट्रीज है वो आप लोग को वहां पर मिल जाएंगे, तो इसलिए वहां का प्लेसमेंट जो है वो केमिकल का बहुत अच्छा है। उसके बाद CS का प्लेसमेंट यानी नॉन कोर का प्लेसमेंट ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन केमिकल का प्लेसमेंट उससे भी अच्छा है। तो अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग करना है तो नो डाउट आपका पहला ऑप्शन HIT होना चाहिए। उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोग को हल्दिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आप लोग को हॉनेस्ट रिव्यू दे रहा हूं कि अगर आप लोग को हल्दिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो, सबसे पहले तो आप लोग प्रेफरेंस करो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है,
इनकेस अगर आप लोग का एडमिशन नहीं होता और अगर आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए देख रहे हो तो आप लोग हल्दिया इंस्टीट्यूट को भी अपने लिस्ट में रख सकते हो, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 5 लाख भी नहीं, आपको यहाँ पर 4.5 लाख का जो आप लोगों का सिर्फ खर्चा होगा और इसमें आप लोगों का एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 5 लाख के करीब मिल जाए, तो नो डाउट ये बेस्ट है। आप लोग यहाँ पर जो हाईएस्ट प्लेसमेंट वो भी आप लोग देख रहे हो कि ऐसा नहीं कि हाईएस्ट प्लेसमेंट सिर्फ आपका 8-9 लाख ही जा रहा, नहीं, आप लोग का अंदर में अगर वो एबिलिटी है तो आप लोग 40 के प्लस भी हाईएस्ट प्लेसमेंट लेके आ सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप लोग का जो कोर्स फीस है वो आप लोग का 4.5 लाख है और आप लोग का जो एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 5 लाख, आप 5 लाख तक आप लोग को मिल जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आप लोग के माइंड में क्वेश्चंस आता है कि आप हमको हल्दिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है या नहीं लेना, तो आप ऑफकोर्स हल्दिया इंस्टीट्यूट के बारे में देख सकते हो, लेकिन याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप लोग को प्रेफरेंस करना है गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि नो डाउट गवर्नमेंट कॉलेज इज बेस्ट। तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर बाई चांस नहीं होता है और अगर आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए देख रहे हो तो हल्दिया इंस्टीट्यूट को आप लोग जरूर अपने लिस्ट में रख सकते हो। और ये जो नंबर आपके स्क्रीन में शो कर रहा है, इस नंबर आपको कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग WBJEE एक्सेट्रा जेईई मेंस, कोई भी क्वेरीज हो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। किसी भी कॉलेज में अगर आप लोग का एडमिशन लेना हो तो कोई भी डाउट हो आप इस व्हाट्सएप नंबर में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपका जो भी क्वेरीज है या इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस कॉलेज का फीस कितना है, कुछ भी क्वेरीज हो आप लोग उस नंबर में व्हाट्सएप कीजिए या कॉल भी कर सकते हो एनी टाइम। ऐसा कोई टाइम नहीं कि इस टाइम में आप लोग को मैसेज नहीं करना है, अगर वो फ्री नहीं रहेंगे तो आप लोग को दोबारा कॉल भी किया जाएगा, तो आप नो डाउट आपका 100% जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो आपका यहाँ पर अगर आप लोग मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन भी ले रहे हो तो आपका 100% मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन हो जाएगा, ये 100% गारंटी है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से WebGE का एग्जाम दो, सबसे पहले कट ऑफ क्लियर दो। सबसे पहले प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, ये नहीं कि पहले हम लोग को मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन ले लेना है, नहीं, सबसे पहले प्रेफरेंस आपका ये होना चाहिए कि मेरे को कट ऑफ हमको क्लियर करना और कट ऑफ आपका मेरिट से एडमिशन होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग को यह सिद्धांत रखना चाहिए कि हमको मेरिट से एडमिशन लेना, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास रखना चाहिए कि हाँ अगर मेरिट से एडमिशन नहीं हुआ बाय चांस, हाँ मेरिट से एडमिशन नहीं हुआ तब हमको मैनेजमेंट के थ्रू जाना, अगर मैनेजमेंट के थ्रू अगर आपको जाना है तो आप 100% इस पर ट्रस्ट कर सकते हो और यहां से आप अपना कॉल कीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो।